नमस्कार, मैं हूँ काजल झा, आप मेरे साथ देख रहे हैं बॉलीवुड केसरी। श्रीदेवी भारतीय सिनेमा का वो चेहरा है जिसे लोग जन्मों तक याद रखेंगे। श्रीदेवी भारतीय सिनेमा की पहली फीमेल सुपरस्टार थी। तभी भी आज भी उनके देहांत के 5 सालों बाद उनका जाना जैसे अभी तक कोई पहचान नहीं पाया है। बॉलीवुड में उनकी कमी आज भी खल जाती है, लेकिन उनका परिवार बोनी कपूर और उनकी 2 बेटियां अभी तक उस सदमे से उभर नहीं पाए हैं। श्रीदेवी के हस्बैंड और फिल्म मेकर बोनी कपूर ने हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में पहली बार श्रीदेवी की मौत से जुड़ी कुछ बातें बताई और बताया कि कैसे अभी तक उनका परिवार उस सदमे से अभी तक उभर नहीं पाया है। फिल्मेकर बोनी कपूर ने बताया कि श्रीदेवी की मौत कोई नेचुरल डेथ नहीं थी। श्रीदेवी की मौत उनके स्ट्रिक्ट डाइट की वजह से हुई थी। दरअसल श्रीदेवी अक्सर ऑन स्क्रीन अच्छा दिखने के लिए भूखी रहा करती थी, जिसकी वजह से कई बार वो बेहोश हो जाया करती थी। बोनी कपूर ने बताया कि श्रीदेवी का जाना बिल्कुल भी नेचुरल नहीं था, उनका जाना एक एक्सीडेंटल डेथ ही था। श्रीदेवी का देहांत दुबई में उनके एक फैमिली फंक्शन में हुआ था। श्रीदेवी कई दिनों से कोई स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो कर रही थी, जिसकी वजह से उनका बीपी अक्सर लो रहा करता था। वो बाथरूम में गई और बीपी लो होने के कारण वो बेहोश होकर बाथटब में गिर गई और उनकी हेल्प के लिए कोई नहीं आ सका क्योंकि बाकी लोग फंक्शन में बिजी थे। प्रोड्यूसर बोनी कपूर ने आगे बताया कि श्रीदेवी हमेशा से ही अच्छा दिखने के लिए और बॉडी को मेंटेन करने के लिए हर वक्त भूखी रहा करती थी। उन्होंने कहा, जब से उनकी श्रीदेवी से शादी हुई थी तब से कई बार श्रीदेवी अपनी भूख के कारण बेहोश हो जाया करती थी। बोनी ने आगे बताया कि उन्होंने ये बातें कभी किसी से शेयर नहीं की, क्योंकि जब दुबई में श्रीदेवी की मौत हुई उस वक्त बोनी से करीब 48 घंटे तक पूछताछ चली थी। यहाँ तक कि लाई डिटेक्टर टेस्ट भी किए गए थे, जिसकी वजह से वो इन सब के बारे में किसी से बात नहीं करना चाहते थे। बाद में बोनी कपूर को किसी दुबई के अफसर ने ही बताया कि उनके ऊपर इंडियन मीडिया का प्रेशर है, इसके लिए वो उनके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। धन्यवाद जुड़े रही ऐसे बॉलीवुड अपडेट्स के लिए बॉलीवुड केसरी के साथ।